लुकिज्म सीजन 2 एपिसोड 1। वेल हाँ, अभी तक इसका सीजन 2 नहीं आया है, पर अगर तुम्हें नहीं पता है तो बता दूं, ये एक मानवा पे बेस्ड सीरीज है और इसके सीजन 1 में 27 चैप्टर्स को कवर किए गए थे और मैं इस वीडियो में इसके 28 चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सीरीज की एंडिंग होती है जहां पे पार्क युनसॉक तगड़ा सिंगिंग परफॉर्मेंस देता है और इस परफॉर्मेंस से वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा फेमस होने लगते हैं और यहीं पे इसकी एपिसोड एंड होती है। सो चैप्टर 28, तो स्टोरी की शुरुआत होती है जहां पे डुक हवा लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है डैनियल के साथ। वेल डैनियल का मतलब पार्क युनसॉक, तो वो पैप्रिका टीवी पे लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं पर उन्हें एक व्यू भी नहीं आता है जिससे वो अपसेट रहते हैं। पर फिर कुछ लोग ज्वाइन करते हैं उसके लाइव कास्ट को। जो ऑडियंस लाइव कास्ट को ज्वाइन करती है वो डैनियल और डुक हवा को हेट देने लगते हैं, गाली देने लगते हैं कि तू पिग जैसा दिखता है, मोटा है, एटसेट्रा चीजें बोलते हैं, जिसे देख के डैनियल और डुक हवा भी दुखी हो जाते हैं कि उन्होंने अभी तक कुछ किया भी नहीं था पर उन्हें इतना हेट मिल रहा है, इसलिए वो लाइव कास्ट को रोक देते हैं। वेल लाइव कास्ट को एंड करने से पहले उन्हें 10 मून बलून्स मिलता है। वेल ये यूट्यूब के सुपर चैट जैसा ही है, एक मून बलून मतलब 100 वॉन। वो इन मून बलून से पैसे कमा सकता है ये जान के डैनियल शॉक हो जाता है, लेकिन डुक हवा बताता है कि उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। वो डैनियल को पॉपुलर बीजीएस के बारे में बताता है, ये पैप्रिका टीवी की पॉपुलर क्रिएटर है जो कि उनकी क्लास की स्टूडेंट होती है जिसका नाम है बीजे किम यूई। तो यूई डैनियल यानी कि पार्क युनसॉक के पास जाती है और वो तारीफ करती है उसके परफॉर्मेंस की। फिर वो पार्क युनसॉक को एक पर्स गिफ्ट करती है जो कि एक्सपेंसिव ब्रांड का होता है। पार्क युनसॉक यूई को थैंक्स कहता है और वो सोचने लगता है कि वो इसके साथ इतनी अच्छी क्यों बन रही है। फिर वो रियलाइज करता है कि वो उस पे इंटरेस्टेड है। ये जानकर के वो यूई के ख्यालों में चला जाता है। लाइफ में फर्स्ट टाइम वो किसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर हमें जो पार्क दिखती है और वो बोलती है कि क्या हम कैरियोके चले, तो सब हाँ कर देते हैं। पर यूई कहती है कि उसे शॉपिंग में जाना है, तो सारी लड़कियाँ शॉपिंग के लिए मान जाती है। पार्टी बदल लिया साला। तो वो सब शॉपिंग पे जाते हैं और वहाँ पे जो एक पर्स पसंद करती है, पर यूई कहती है कि ये अच्छा नहीं है, ये उस पे सूट नहीं कर रहा, ये बेकार है। ये सुन के जो भी उसके हाँ में हाँ मिला देती है और वो पर्स लेना कैंसिल कर देती है। देन नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाती है तो वो देखती है यूई ने वही पाउच लिया हुआ है जो उसने पसंद करी थी। ये देख के वो उसके पास जाती है पर उसी टाइम पार्क युनसॉक आता है और यूई खुश हो जाती है और वो अपनी पाउच उसे दिखाने के लिए चली जाती है। युनसॉक उस पाउच को देख के कहता है कि वो एक पेंसिल केस जैसा लग रहा है। वो ऐसी ही बात करते हैं, ये देख के जो जेलस फील करती है। वो सोचती है यूई और युनसॉक परफेक्ट पार्टनर है और वो उससे बेटर है। वेल इसके बाद हमें युनसॉक अपने फ्रेंड्स के साथ दिखता है जो कि स्मोक कर रहे होते हैं। डूली सिगरेट का पूरा डब्बा ला के रख देता है। ये देख के जैकली पूछता है कि इतना पैसा आ कहां से रहा है, तो डूली इसका रिप्लाई देता है अंबानी में। तो डूली बताता है कि वो पैप्रिका टीवी पे लाइव कास्ट करता है और वो उससे पैसे कमाता है। डूली लुकिज्म का पुनीत सुपरस्टार है जो कि पागलों जैसी हरकत करके पैसे कमाता है। वेल ये तरीका देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी ओर यूई दिखती है जो कि लाइव कर रही होती है और उसे इजिली थाउजेंड्स ऑफ बलून मिलते हैं अपने बॉडी और फेस के दम पे। वो अपने बॉडी और फेस के दम पे बहुत ज्यादा पैसा कमाती है एंड जब थक जाती है तो वो स्ट्रीम बंद करके स्मोक करती है और वो मन ही मन सोचती है कि उसके घर पे वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल है। उसी में यूई का बीएफ बेड के बाहर आता है। लाइव करने के दौरान उसे हमेशा अपना पड़ता है। यूई बताती है कि अगर लोगों को पता चल गया कि उसका बीएफ है तो लोग उन्हें मून बलून्स नहीं देंगे। ये बात वो अपने बीएफ को समझाती है और फिर उसे एक पर्स देती है। ये वही पर्स है जो वो पार्क युनसॉक को दे रही थी। ये पर्स देख के उसका बीएफ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर से हमें एक बार डूली देखने को मिलता है। वेल तो इधर ही पे इसका चैप्टर 28 खत्म होता है। वैसे इसमें 500 से भी ज्यादा चैप्टर्स है। अगर तुम इसका चैप्टर 29 का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो कमेंट जरूर से करना, मैं इस पे वीडियो जरूर लाऊंगा। और हां, चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना एपिसोड 2 को देखने के लिए।